सब्ज चाय बुढ़ापा भी भगाए। सब्ज चाय के मुतालिक एक और ख़ासियत सामने आई है, जिसके मुताबिक इसने चूहों की उम्र में इजाफा किया और इनमें उम्र रसीदगी को रोकने में भी अहम किरदार अदा किया है। एजिंग यूएस नामी साइंसी जरीदे में एक तहकीकी रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें कहा गया है कि सब्ज चाय में कुदरती फेनोल और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जिससे चूहों की फुर्ती, चुस्ती और उम्र में इजाफा देखा गया है। इस केमिकल को केटचन का नाम दिया गया है। मस्कुरा बाला जुज़ माइटोकॉन्ड्रियाई तनफ़ुस को बेहतर करता है, चर्बी घुलाता है और ज़िंदगी पर मुस्बत असर डालता है। इस तरह केटचन के मुसलसल इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है, वज़न कम होता है और ज़ियाबीतस टाइप 2 में कमी वाक़ हो सकती है। सब्ज़ चाय में पॉलीफेनोल नामी जादुई अज्जा पाए जाते हैं, जिनमें एपी गेलो केटचन गेल्ट, एपी केटचन गेल्ट, एपी केटचन और दीगर शामिल हैं, जो मुश्तरका तौर पर ठोस सफूफ में 30-42% मकदार में मौजूद होते हैं। तमाम तहकीकें बताती है कि पेचीदा इंसानी जिस्म में जाने के बाद बाज़ इकसाम की पॉलीफेनोल्स की तासीर बहुत ही कम रह जाती है। इंसानों में फ़वाद के लिए ज़रूरी है कि इसे जिगर के पेचीदा हाजमे वाले अमल से महफूज रखा जाए, ताकि ये जिस्म में शामिल हो सके, और इस ज़मन में मज़ीद तहकीक की जा रही है। लेकिन माहरीन का इसरार है कि इसके बावजूद सब्ज़ चाय के हैरत अंगेज़ मुफीद असरात से इनकार नहीं किया जा सकता।